उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। हालात ये हैं कि पहाड़ हो या मैदान, सब तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली NCR, हर तरफ हो रही मूसलाधार बारिश आफत बन गई है। हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। दिल्ली में जहां सड़कें तालाब बनी हुई हैं, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में पुल, सड़कें, कारें और इमारतें ताश की पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही हैं। बारिश के चलते 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये मौतें भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं में हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस के बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लिए PM KS फंड से एक अतिरिक्त राहत राशि उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। खड़गे ने सुबह ट्वीट करके हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से मदद का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विधायकों को अपने क्षेत्र के प्रभावित लोगों की मदद करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, उत्तर भारत के राज्यों में बेतहाशा बारिश के कारण हुई कई लोगों की मृत्यु दुखद और पीड़ादायक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हुई है, राज्य में राहत कार्य में तेजी आई है और मूसलाधार बारिश ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए खराब मौसम के बावजूद हर संभव प्रयास जारी है। SDRF और NDRF की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और जान माल को जो नुकसान पहुँचा है उसकी भरपाई के लिए हर संभव मदद की जाएगी। सभी कांग्रेस विधायकों को हमने निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो सहायता में अपनी योगदान दें। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लिए पीएम केयर्स फंड से एक अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इस मुश्किल समय में हम प्रभावित लोगों के साथ हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में कई जगह भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें कई घर और दुकानें तबाह हो गई हैं। इस बारिश से मनाली, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जैसे कई जिले प्रभावित हुए हैं। फिलहाल देश भर में हो रही बारिश के बाद इस वक्त हालात बेकाबू बने हुए हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है।